ये तो बाल्टी हाँ, है बकेट्स हैं। पता है कि जो ब्रश हो ना वो कैप वाला ही हो, छोटे होते ना ये रबड़ खा जाते होते थे पीछे वाला। मैंने तो बहुत पैसे खराब किए अपने वॉलमार्ट से सामान ला ला के। सो भाई आज की वीडियो के अंदर आपको कनाडा का सबसे चीपेस्ट स्टोर दिखाने वाले अपने, और लोग वैसे तो बोलते हैं कि $1 के अंदर यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है। सो इसलिए भी कनाडा आते टाइम ना हम जब पैकिंग कर रहे होते हैं हमारे दिमाग में बड़े डाउट चल रहे होते हैं कि यार कनाडा जाके ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। भाई सच बता रहा हूँ इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आज चल के आपको अंदर सारी चीजें मैं और अनु दिखाते हैं आपको, हर एक एक छोटी छोटी चीजें ना बड़ी इजिली यहाँ पे मिल जाती है। सो चले फिर बिल्कुल लेट्स गो। लो जी अंदर जा रहे हैं अब। इधर आप सोच रहे हो कि अगर कोई मम्मी ने बर्तन कम दे दिए तो हमारा काम नहीं चलेगा, भाई ये देखो चम्मच चुम्मच फॉक्स वगैरह ब्लेंडर हो गया, ये देखो पीलर भी कितने का $3 के तीन, और आगे कड़छियां कुड़छियां सारा कुछ पड़ा है, चाकू चुकू पड़े हैं अगर आपको कटल करना है किन का वेजिटेबल्स का, और वो देखो फ्राई पैन वगैरह अगर आप भूल जाते हो लेके आने के लिए स्पैचुलास हो गई है तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए होते हैं, और वो नीचे देखो स्टील वाले बाउल्स भी पड़े हैं। अब छील लेना भाई जितना भी पनीर छीलना है आके यहाँ पे है। मूली के परांठे, अरे यार मूली के परांठे गलती, और ऐसे रहता है इंडियंस को ना कूटने के लिए और वो सारी चीजों के लिए भी सामान पड़ा है इनके पास, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। और इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है ये लाते हुए इंडिया से। हाँ ये भी इंडिया से लाने की नीड नहीं है, आपको यही मिल जाएगा। अभी छोटी छोटी चीजें क्या अपनी मम्मियां कहती हैं कि ले जा बेटा बर्तन कैसे साफ करेगा, तो नीचे से कहते हैं ना मिट्टी उठाते कैसे हैं, तो इससे उठाते हैं। इंडिया में तो अपने वो पुराने झाड़ू याद है मोर के पंख वाले। अब मम्मियों को समझा देना कि हमें सारा सामान नहीं चाहिए, बहुत कुछ हमें ना ऑलरेडी वहीं जाके मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा बिल्कुल। अब अपने सोचते हैं यार ये चीजें कहाँ से मिलेगी, देख रहे हो अब हाथ हूथ धोने के लिए वॉश बेसिन पे हमें सोप डाल के रखना होता है, तो वो कंटेनर्स भी आपको सारे $2 के यहाँ से मिल जाएंगे। अब जो बंदा भाई इंडिया से कहे मैं तो टावल लाना भूल गया, तो आपको टावल टूबल भी मिल जाएंगे, रग्स भी हैं रूम के बाहर रखने के लिए या वॉशरूम के बाहर रखने के लिए। अब याद है इंडिया में अपने कपड़े सुखाते हैं बाहर, तो ये क्लिप्स हैं कपड़े सुखाने वाले, और ये हैंगर कितने तरीके के हैं देखना, वैसे तो ये लेके जाते हैं ये ज्यादा आ जाते हैं व्हाइट वाले, ये नहीं सोचा था मैंने ये भी यहाँ पे मिल जाएगा, और ये कितना सॉफ्ट है ना। ये आ गया अब बर्तन साफ करने के औजार, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं ना, गेट के पीछे टांग देता बंदा, और ये वॉशरूम क्लीनिंग, ये क्लीनिंग के सप्लाईज फिर से आ गए ठीक है, एयर फ्रेशनर हो गए, और यहाँ पे भाई दूध की थैलियां लेके आते हैं लोग और फिर उस थैली को डालते हैं इसमें। अब जिनको रूह अफजा वगैरह ठंडाई वगैरह पीनी है बर्फ डाल के आटा गूंदने के लिए, तो आई प्रेफर कि ऐसे बॉल्स ले जाओ और ये सारे हाँ, है ना? मतलब ये काफी टाइम चलते हैं एंड देन दे हैव लाइक खुली स्पेस है, और ये बॉटल्स भी बॉटल्स हो गई, बॉटल्स हो गए, सिपर्स हो गए, इवन प्लेट्स पड़ी हैं वहाँ पे, अगर तुम्हें प्लेट्स वगैरह कुछ भी नहीं लेके आना डिशेस में तो तुम यहाँ से प्लेट्स भी ले सकते, $1.75 में दो दो प्लेट्स उठा लो एंड तुम्हारा आराम से सरेगा। अब हमने पैकिंग वाली कल वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने ये चीज बोली थी कि अगर कोई चीज भूल जाओ ना तो टेंशन नहीं लेनी। अब उसके बाद आ गए मेन कंटेनर्स, जो मैं कल वीडियो में बोल रहा था कि कांच के कंटेनर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, प्रॉपर ग्लास है, उसके अंदर आप खाना डाल के माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हो, और ये इंडिया में कॉलिन के नाम से आता था ना यूज करते थे अपने, तो ये विंडेक्स है क्लीनिंग के लिए, ये ग्लास वगैरह साफ कर सकते हो इससे। यहाँ देखो कितने सुंदर सुंदर पड़े हैं, ये कितना क्यूट है, मिल्क शेक वगैरह आप डाल के पी सकते हो इसमें, बिल्कुल कॉफी मग्स हो गए, और प्लेट्स तो वहाँ पे देखी थी, बॉल्स भी पड़े हैं, तो तुम्हें अगर कुछ भी क्रॉकरी में डिशेस में नहीं लेके आना मत लेके आओ, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। ये देखो सिर्फ $3 की चप्पलें, अगर आपको पैसे बचाने हैं बहुत ज्यादा सेविंग करनी है तो ये सारी चीजें भी लेके जा सकते। वॉलमार्ट में जाओगे तो तुम प्राइस चेक करोगे क्रॉस चेक तो दे आर लाइक मोर देन $5-6। ये तो बाल्टियां हैं, बकेट्स हैं, लॉन्ड्री बास्केट्स हैं, रूम के लिए छोटे बिन्स हैं, बर्तन धो के जब आप रख देते हो सूखने के लिए उसके लिए है ना ये, और नीचे इसकी ट्रे होती है, ट्रे में पानी चला जाता है एंड देन दिस इज हाउ इट गोज, एक्सटेंशन कॉर्ड्स लेके सकते हाँ, हो। तो ये सारे देखो $4-4 के सिर्फ $3.25 गए हैं, तो मिंटोस खाने की नीड नहीं है, सीधे ही बत्ती जग जाएगी आपकी। तो ये जो है स्टेशनरी वाला आ गया ना, स्टिकी नोट्स चाहिए, सिजर्स चाहिए, इरेजर जो होता था ना अप्सरा का सारे ऐसा कहते वाला अच्छा होता था, अरे हाँ इसमें हम ये इसको डी बोलते थे, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और कंपास है, और ये देखो स्टेपलर वगैरह, छोटे होते ना ये रबड़ खा जाते होते थे पीछे वाला, और ये देखना कितने कार्टून वाले अलग अलग इरेजर्स भी हैं, रबड़े भी मिलती हैं यहाँ से, कैश संभालना है, ये कैश नहीं ये पेपर संभालने के लिए। अब कैरियंस कैसे भूल सकते हैं यार, छोटे होते कितनी ड्राइंग करी है मैंने ना, एक वो सनसेट वाली फोटो सी बनाते थे जिसमें एक घर होता था और पीछे पहाड़ होते थे, पीछे पहाड़ होते थे, पीछे सनसेट हो रहा है और साथ में नदी जा रही है, नदी जा रही है, और ये देखना पेंसिल वाले कलर जो भी नटराज के आते थे अपने, और फोल्डर्स वगैरह भी हैं फाइल वाले, प्लस ये देखो पेन वेन भी सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा लिखने
लिखने लिखने में कैसे हो आप? ग्रामर ग्रूमर में दिक्कत नहीं आती? आती है, क्यों, कोई सोल्यूशन है? हाँ है ना। तो भी अगर अपने राइटिंग की बात कर रहे हैं तो यहीं पे बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर्स की। तो क्विलबोट आपकी स्टूडेंट लाइफ में नेक्स्ट लेवल वैल्यू एड कर सकते हैं। वो कैसे? तो क्विलबोट का पैराफ्रेजर टूल यूज करके आप अपने एसेस को, असाइनमेंट्स को, रिसर्च वर्क को और कंसाइज और क्लियर एंड और एंगेजिंग बना सकते हो। और जब आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो उनके पैराफ्रेजर्स के प्रेजेंट मोड में एकेडमिक मोड भी एड कर दिया है। वाओ, दैट्स ग्रेट। जो कि एक अमेजिंग एडिशन है इस बैक टू स्कूल सीजन में। और उसके साथ ही ये प्रोवाइड कराते हैं ग्रामर चेकिंग टूल भी, जिससे कि आप अपनी पंक्चुएशन, स्पेलिंग एरर सारे अवॉइड कर सकते हो, जिससे कि आप और कॉन्फिडेंट राइटर बन सकते हो। दैट्स नाइस, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को मोस्टली इसी चीज में दिक्कत आती है कि तुम्हें पैराफ्रेज करके लिखना है, उसमें स्पेलिंग एरर हो रहा है, हर वोकैब का वर्ड हर जगह फिट नहीं होता है। सो पर्सनली स्पीकिंग, मेरी खुद की भी राइटिंग स्किल्स में बहुत इंप्रूवमेंट आई थी जब मैं अपने प्रोफेशनल ईमेल्स वगैरह लिखता था। सो भाई, क्विलबोट की एक्सटेंशन को आप अपने ब्राउजर में भी ऐड कर सकते हो और उससे आप अपना बहुत सारा प्रीशियस टाइम बचा सकते हो, प्लस कभी भी डेडलाइंस जो है ना वो आप मिस नहीं करोगे। सो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आज ही जाके क्विल ऐप चेक कर सकते हो। अब अपने बढ़ते हैं वापस से डोलराम के टूर पे। ये सारा डेकोरेटिव सिस्टम हो गया। सो सीजनली एक आइल रेडी होती है डोलरामा में, नहीं सारे स्टोर्स में ही। हैलोवीन आने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने थीम सेट की हुई है सारी। और ये ऑटम आने वाला है तो लीव्स वगैरह, तो लीव्स वगैरह कि तुम डेकोरेटिव जो भी है सामान लेके जाना है तो भी फेस्टिवल महंगे नहीं पड़ते, सस्ते में भी आप यहाँ से सामान लेके जा सकते। सस्ते में अपना घर जैसे मर्जी डेकोरेट कर सकते हो। ये मतलब रूम्स के बाहर लग जाते हैं, यू नो लाइक दोस हैंगर्स डेकोरेटिव। ट्रिक एंड ट्रीट, ये बच्चे बड़ा परेशान करते हैं, गेट पीट पीट के ऐसे पैक्स में आ जाती हैं कैंडीज, तुम उसे दे सकते हो बच्चों को। और सही बताऊं आपको, वीडियो दिखाने के चक्कर में ना मैं अभी पहली बार ना ढंग से एक एक चीज देख रहा हूँ। तो सच में यार, मैंने तो बहुत पैसे खराब किए अपने वॉलमार्ट से सामान ला ला के। मेरे को सारे ना यही बोलते थे कि तू यार वॉलमार्ट से सामान मत उठा, एक बार डोलरामा में जाके चेक जरूर करना, तेरे को वहां से चीज मिल जाएगी। तो भाई, जितने भी नए स्टूडेंट आप आ रहे हो, एक बार डोलरामा जरूर आना। ये वाली आइल है जो सारी फूड आइटम्स है यहाँ पे, जो कि हम एक बार स्किप कर देंगे, बट आपको बता देते हैं, कोल्ड ड्रिंक, कूल ड्रिंक, चिप्स वगैरह, कैंडीज वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ऐसे छोटे मोटे गेम्स हो गई जैसे ये टम्बलिंग टावर, ऊनो वगैरह, मतलब तुम्हें डोलरामा में मिल सकती है। ये कार्ड हो गए, ठीक है, प्लेइंग कार्ड, ऊनो, ये यहाँ पे सिर्फ $1 की है और मैंने गैस स्टेशन पे बहुत महंगी ली हुई है, $11-12। और साथ में अगर आपको डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह, ये स्लीव्स बहुत काम आती हैं, क्योंकि अगर तुम मतलब जल्दी में हो, कॉलेज छूट रहा है, ये वो एंड ऑल, ठीक है, चाय डाली इसमें, लिड भी साथ में देते हैं, इट्स अ गुड बाय। और उसके बाद इस साइड देखोगे तो कार्ड्स वगैरह, तो यहाँ पे आपको बर्थडे से लेकर हर एक तरीके के कार्ड्स, अलग अलग ग्रेजुएशन, स्पेशल ओकेजंस। और फिर ये आगे गिफ्ट बैग्स, अगर आपको गिफ्ट्स लेके जाने हैं किसी के लिए, बर्थडे मेरा आ रहा है अभी अगले महीने, मेरे को अगर कोई गिफ्ट लाके दो तो इसमें लाके देना। ओके, ठीक है, मीन बड़े वाला गिफ्ट चाहिए। बड़ा गिफ्ट चाहिए। तो यार, अपनी बर्थडे पार्टी होती है जब कोई भी घर पे, तो सारा सामान यहाँ से जाता है? मैं कभी आया नहीं साथ में, सभी यहीं से जाता है। मैंने जैसे कि आपको बताया ना, इतना ढंग से मैंने भी नहीं देखा डोलरामा कभी। ये देखो डेकोरेशन का, कैंडल्स वगैरह, कितने साल के हो गए हो उसके लिए। अगर तुम्हें यहाँ पे $1 में कैंडल्स मिल रही है तो व्हाई टू स्पेंड ऑन वो, जहाँ से केक लेके आते हैं वहाँ पे तो बड़ी महंगी बेचते हैं वो। ये भाई, कोई इंडिया से अपना नया विद्यार्थी आ रहा हो तो अगली बार ना यहाँ से माला लेके जाएंगे, उसको हार पहनाएंगे। अब अगर आपको ग्रीनरी चाहिए घर पे तो थोड़ा बहुत डेकोरेट करने यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। कुत्ते कत्ते पालने हैं क्या? नहीं, बहुत महंगे हैं, मत पंगे लेना। ये डेकोरेशन वाला ही सामान है ना सारा? यार ये काम लड़कियों को आता है, आउटडोर्स वाले हैं, मतलब ये तुम रूम में, ठीक है, टेबल पे रख लिया, और ये लैंप लैंप्स लगा लिए, ये लैंप्स भी वैसे आउटडोर हैं। भाई ये दिमाग लड़कियों का ही चलता है, ये सिंपल वाला हो गया और हैंडल लग रहे हैं, देख रहे हो। ये कल हम बात कर रहे थे कि फ्लाइट में जिन्हें नेक पिलो चाहिए, पर अब बंदा यहाँ पहुँच गया, उसके बाद तो क्यों चाहिए होंगे। कनाडा सिर्फ आना इजी है, कहीं यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये देखो अब टूथब्रश वगैरह कोई भाई बंधु अगर ना भूल जाए, मेरे को बचपन से बड़ा यूं रहता है कि जो ब्रश हो ना वो कैप वाला ही हो। और मल्टी विटामिंस, भाई इस बार मैं इंडिया गया था ना तो रिश्तेदार पीछे ही पड़ गए थे कि मल्टी विटामिंस कनाडा वाले खाने हैं, तो डोलरामा में आपको मल्टी विटामिंस और जो बेसिक दवाइयां होती हैं कोल्ड गोल्ड वाली, दर्द वाली, वो भी सारी मिल जाएंगी। जन्मों जन्मों की मैल आप कान से निकाल सकते हो सिर्फ $2 में, गिन के देखो, सच में जन्मों जन्मों की निकल जाएगी। 450 पीसेस है इसमें। तो बेसिकली बात ये है कि हम बार बार आपको रेट इसलिए नहीं बता रहे कि यहाँ पे $2 से लेके $5 के अंदर सारी चीजें निपट रही हैं। तो अब इसका भी रेट देख लो, $2 है, ये $3 का है। तो भाई यहाँ पे ये देखो आपको कार वाले चार्जर, सारी केबल्स, ईयरफोन वगैरह आपको, या फिर फोन स्टैंड चाहिए, हर एक चीज आपको मिलेगी भाई। सेल भी आपको सारे यहीं से मिल जाएंगे। लो ये थोड़ा सा सामान और ले आई जाके, इसमें कंटेनर और लेना था, ये मेरा चॉपर टूट गया था। तो ये देखो यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ, ये अपने आप स्कैन हो गया।
देख लो कितना इजी है सारा प्रोसेस, और आपकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है सामने, तो ये मत सोचना कि एक आधा आइटम हम बिना स्कैन करे भी ले जाएंगे। और मैं वैसे पता है अभी परसों ही लेके गया था बहुत सारा सामान। हाँ, जब मर्जी डॉलरामा आ जाओ तुम, में ऐसे कुछ ना कुछ, कि कुछ ना कुछ मिल ही जाए, ग्रैब कर ही ले ना। तो गाइज आई नो आपको बहुत एक्साइटमेंट हो रही होगी जो पहली बार कनाडा आने वाले हैं। तो ये था भाई सिस्टम डॉलरामा का। तो दिल पे कोई बात नहीं लेनी, अगर आप कोई भी सामान भूल जाते हो तो आप यहाँ से आके सस्ते में लेके जा सकते हो। और बाकी भाई पीछे वाइब आपको दिख ही रही होगी, अभी शाम का माहौल है। और पीछे जो आपको सिनेप्लेक्स दिख रहा है ना, इसके ऊपर भी अभी शानदार सा व्लॉग लेके आएंगे कि यहाँ पे सिनेमा का एक्सपीरियंस कैसा होता है, स्टूडेंट्स के लिए तुम मतलब कैसे सीन पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो, बाकी हैरी तुम्हें बता ही देगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो फ्री में मूवीज वगैरह का सीन अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो लाइक जरूर कर देना, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर दो। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।